एमडी और आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केस है सुचित्रा पिल्लई केस। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। 17 मार्च 2020 को सुचित्रा पिल्लई नाम की एक औरत जिसकी उम्र करीब करीब 44 से 45 रही होगी, वो अपने माँ बाप को घर से ये बोलकर जाती है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर से बाहर जा रही है और 22 मार्च तक वापस आ जाएगी। अब धीरे धीरे उसे गए हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन ना ही उसका कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज आया। माँ बाप को काफी फिक्र हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक दिन और वेट करके देखते हैं, शायद वो आ जाएगी। अब 17 मार्च जाकर 22 मार्च आ जाती है और अब तक सुचित्रा कहते हैं। पुलिस से सारी बातें सुनकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि सुचित्रा के नंबर को निकालकर उसके कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस देखती है कि सुचित्रा ने सबसे ज्यादा किससे बात की है। कॉल डिटेल्स में एक नाम बार बार आ रहा था जिससे सुचित्रा सबसे ज्यादा बात करती थी, वो नाम था प्रशांत। अब पुलिस तुरंत प्रशांत का पता निकालकर उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस को प्रशांत के मोबाइल से कुछ नहीं मिलता। पुलिस प्रशांत को छोड़ देती है क्योंकि पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता और सब न्यारा था और वो था प्रशांत। लेकिन शक करने से क्या ही फायदा, पुलिस के पास प्रशांत के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं था। अब पुलिस एक प्लान बनाती है और प्रशांत से उसका मोबाइल, लैपटॉप और बाकी चीजें ले लेती है और सभी चीजें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। टीम गूगल की सर्च हिस्ट्री खंगालती है तो उन्हें हिस्ट्री में किसी इंसान को कैसे मारें और ठिकाने कैसे लगाएं ये सब सर्च किया हुआ मिलता है। इस चीज को देखने के बाद अब पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था। अब पुलिस प्रशांत से एक और बार पूछती है, लेकिन वो इस बार भी मुकर जाता है। अब पुलिस प्रशांत के घर की छानबीन करती है तो उन्हें घर की जांच के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट सबूत मिलते हैं। दरअसल पुलिस को प्रशांत के घर से कुछ जले हुए कपड़े मिलते हैं। पुलिस तुरंत उन कपड़ों को उठाकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पड़ेगा कहानी शुरू होती है कनाडा के कोल्लम से। इसी शहर में प्रशांत नाबियार नाम का एक शख्स रहता था। प्रशांत की उम्र करीब करीब 33 साल रही होगी। पेशे से ये एक म्यूजिक टीचर था। इसकी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा था। इसका बच्चा अभी छोटा था और उसका नामकरण था, इसीलिए प्रशांत के घर पर कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे। इन्हें रिश्तेदारों में एक औरत भी आई थी। इस औरत का नाम था सुचित्रा पिल्लई। ये प्रशांत की पत्नी की दूर की रिश्तेदार थी। सुचित्रा की उम्र करीब करीब 44 से 45 थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। सुचित्रा प्रशांत से करीब करीब 10 साल बड़ी थी, इसीलिए वो उसे जीजी यानी कि बहना कहकर बुलाता था। ये दोनों पहली बार फंक्शन में मिले थे और यहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी और फिर अक्सर फेसबुक और अदर सोशल मीडिया एप्स पर ये दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे और ने टाइम मिलता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। सुचित्रा अक्सर ही प्रशांत को पैसे दिया करती थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुचित्रा का तो डाइवोर्स हो चुका था तो फिर से एक बच्चा मांगती है और कहती है कि मेरी 2 शादियां पहले ही हो चुकी है और 3री शादी मैं अब नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए और वो भी तुमसे। इसके बदले मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगी जो भी तुमने मुझसे लिए थे, लेकिन पहचान पूछी तो तब क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या, वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। प्रशांत सुचित्रा को इस बच्चे के लिए साफ साफ मना कर देता है। प्रशांत के मना करते ही सुचित्रा भड़क जाती है और अपने पैसे मांगने लगती है। पैसे बहुत ज्यादा थे और इतने कम समय में वो इन्हें नहीं चुका सकता था। प्रशांत एक ऐसा आइडिया जिसके जरिए वो ना ही सुचित्रा को कोई पैसा देता और ना ही बच्चा। वो सोचता है कि क्यों ना सुचित्रा को रास्ते से ही हटा दिया जाए, इससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं, और इसकी यही गलती गूगल सर्च इंजन पर रिकॉर्ड हो गई थी। इसे गूगल पर कई सारे ढेरों तरीके मिल गए। अब इसे मारने का तरीका तो मिल गया, लेकिन सुचित्रा को कहां मारें ये जगह उसे अभी भी ढूंढनी थी। इसके लिए भी उसके पास एक और आइडिया रेडी था। उसने क्या किया कि अपनी बीवी और बच्चे को मायके के लिए भेज दिया और फिर सुचित्रा को कॉल किया और कहा कि मेरी बीवी और बच्चा मायके के लिए चले गए हैं, क्यों ना 2-3 दिनों के लिए हम साथ में टाइम बिताएं, तुम मेरे घर आ जाओ, हम यहीं पर साथ में टाइम बिताते हैं। 17 मार्च को वो घर से निकली और 18 मार्च तक वो प्रशांत के घर पहुंच गई। एक बात और, प्रशांत ने सुचित्रा को काले कपड़ों में आने के लिए कहा था क्योंकि उसके घर के पास बहुत अंधेरा था और 20 मार्च की शाम को सुचित्रा आराम से बेड पर लेटी हुई थी। तभी प्रशांत अपने घर की लैंप से बिजली के तार को अलग करता है और फिर उस तार को ले जाकर अनजाने में बैठी सुचित्रा के गले में डाल देता है और फिर उसे खींचने लगता है।
सुचित्रा इसका काफी विरोध करती है, लेकिन प्रशांत उसके गले पर बैठकर उसे तब तक खींचता रहता है जब तक उसकी जान चली नहीं जाती। अब कुछ ही देर तक लड़ने के बाद सुचित्रा मर चुकी थी। इसे मारने के बाद वो चादर से ढक देता है और लाश के पास बैठकर आगे की प्लानिंग करता है कि आखिर अब इस लाश के साथ क्या करा जाए, कैसे लगाएं, और फिर कई सारे अलग अलग मूवीज भी देखता है। और सब कुछ हो जाने के बाद इसे आइडिया मिल जाता है। और सब कुछ हो जाने के बाद प्रशांत सुचित्रा के शरीर से सभी सोने के गहने निकालता है और फिर उसके शरीर को घुटनों से नीचे तक काट देता है और फिर घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उन सारे टुकड़ों को उसमें डाल देता है और फिर उस गड्ढे को सीमेंट से पैक कर देता है। इसी बीच अब 20 मार्च की शाम जाकर 21 मार्च आ गई। इस दिन वो सुचित्रा के मोबाइल को लेकर 70 किलोमीटर दूर जाता है। इस दौरान सुचित्रा का मोबाइल स्विच ऑफ था। वो मोबाइल फोन को पत्थर से कुचल कर तोड़ देता है, उसके सिम को भी निकाल कर तोड़ देता है और पास ही के एक नाले में फेंक देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि पुलिस जब भी सुचित्रा की लास्ट लोकेशन खंगाले तो वो पुलिस स्टेशन के पास आए और फिर पुलिस उसी पुलिस स्टेशन के पास अपनी जांच करेगी और वो गुमराह हो जाएगी। अब सुचित्रा घर पर कह कर गई थी कि वो 21 या 22 मार्च तक आ जाएगी, लेकिन जब वो 23 मार्च तक नहीं लौटी तो पुलिस स्टेशन में माँ बाप ने कंप्लेन कर दी थी और आगे जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है। खैर, सारे सबूतों के बाद प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर कोर्ट ने इसे सिर्फ 14 साल, जी हाँ सिर्फ 14 साल की सजा सुनाई। आज भी प्रशांत जेल में बंद है और अपनी सजा पूरी कर रहा है। खैर, यहाँ केरला पुलिस ने काफी ईमानदारी से अपना काम पूरा किया था। यहाँ